हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पूरी की रेसिपी, जिसे आप किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी या मसालेदार सूखी सब्जी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पूरी बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे एक परात और उसमें लेंगे 3 कप गेहूं का आटा। मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया, आप कोई भी कटोरी या ग्लास सेट कर सकते हैं। यहाँ पे तो 3 कप ले लिया हमने। तो परात में हमने 3 कप आटा ले लिया है। आप क्वांटिटी अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको बनाना हो। तो यहाँ पे लेंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन, इसको हाथों से ऐसे क्रश करके डाल देंगे। और नमक डाल देंगे 1 छोटी चम्मच और साथ में डाल देंगे 1/4 कप ऑयल, इससे पूरी सॉफ्ट बनेगी। तो इसको अच्छे से हम मिला देंगे हाथों से। तो इनको अच्छे से हम मिला देंगे पहले, ये बहुत ज़रूरी है पहले मिला देना, नहीं तो नमक कहीं कम ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे मिलाने से अच्छे से नमक, तेल और अजवाइन मिल जाता है। तो हमने सभी को अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा डो तैयार करेंगे। पूरी का डो हमेशा थोड़ा हार्ड रहता है, तो इसीलिए पानी थोड़ा थोड़ा ही मिलाएँ और अच्छे से मसलते हुए इसको गूँथेंगे, क्योंकि हम जब चपाती का डो तैयार करते हैं वो सॉफ्ट होता है, बट पूरी का डो हम जो तैयार करेंगे थोड़ा सा हार्ड बनाएंगे। तो ध्यान है, पानी थोड़ा थोड़ा ही करके डालें। तो हमारा डो तैयार है, तो हमने पूरी का डो तैयार कर लिया। ये देखिए थोड़ा सख्त है ये, तो ऐसे ही डो तैयार करना है। हाथ से आप ऐसे करें तो थोड़ा सा आपको ताकत लगे। देखिए तो ये इस तरीके का सख्त डो तैयार करना है। तब इसे हम कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि अच्छे से आटा सेट हो जाए हमारा। 10 मिनट हो गया है, अब हमारा डो तैयार है, ये देखिए। तो इसकी हम छोटी छोटी लोइयां तैयार कर लेते हैं पूरी बनाने के लिए। जो आपको साइज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप लोई वैसे तैयार कर लें। तो ऐसे लोई तैयार कर लें। तो चलिए अब इसको हम बेल लेते हैं। तो बेलने के लिए थोड़ा सा हमने तेल लिया है, चकले पर ऐसे लगा लेंगे और इसको लोई को उसको ऐसे दबा देंगे, थोड़ा सा दोनों तरफ ऐसे दबा देंगे और इसको हम बेलेंगे, हल्के हाथों से बेलेंगे, इसे घुमा घुमा के हम बेल लेंगे। साइड में रख लेते हैं, दूसरी भी ऐसी हम बेल लेंगे, दूसरी पूरी भी। तो एक बार आपने तेल लगाया तो उसमें 3-4 पूरी आराम से बेल जाती है, बार बार तेल लगाने का आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से छोटी छोटी पूरी बनाने में आपको दिक्कत हो रही है, तो एक तरीका और भी है पूरी बनाने का, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम बड़े साइज़ की लोई लेंगे और इसको हाथों से ऐसे मसल के थोड़ा सा ऐसे गोल साइज़ में पेड़ा बना लेंगे, ऐसे हाथों से फ्लैट कर देंगे और इसको हम बेलेंगे। बेलने से पहले हल्का सा तेल लगा लेंगे चकले पे, और हाथ में भी तेल लगाया तो इसी से ऐसे प्रेस कर देंगे, ऐसे दबा देंगे तो आसानी होता है बेलने में। तो इसको बेल लेंगे, एक रोटी की तरह बेल लेंगे बड़े साइज़ में। तो हमने इसको बेल लिया है, एकदम रोटी जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बेलना है, और एक बराबर बेलें और इसको एक ग्लास लें और उसे कट कर लें। तो इससे आपकी एक साइज़ की पूड़ी बनेगी। तो जो बाकी एक्स्ट्रा है इसको ऐसे निकाल देंगे। अब चलते हैं हम पूरी को छानने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है और तेल डाल दिया है और गर्म हो गया है तेल।
फ्लेम को आप यहाँ पे मीडियम कर लीजिएगा। तो एक पूड़ी हम डाल के चेक कर लेते हैं, तो पूड़ी डाल के ऐसे चेक कर लेंगे। ये देखिए ऐसे बबल्स आने लगेगा और इसको ऐसे करछी से हल्का सा ऐसे प्रेस कर सकते हैं आप चाहे तो, और इसको हम पलट देंगे। ये देखिए फूल गई पूड़ी हमारी। अब इसे दोनों तरफ पलट करके पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गया तो पूरी को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो बाकी भी पूरी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो हमने जो ग्लास से काटा था पूरी, अब उसको हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए परफेक्ट फूल गया। दूसरी में हम ऐसे डाल देते हैं। जैसे ही फूल जाए इसको पलट दें। ये देखिए ये पूरी एकदम तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही बाकी पूरी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमने पूरी में आटा नहीं लगाया था सूखा, तो हमारा तेल एकदम साफ है, नहीं तो जो आटे के पार्टिकल्स होते हैं वो जलने लगते हैं और पूरा तेल काला हो जाता है इससे। तो ऐसे ही हम पूरी सब फ्राई कर लेंगे। मैंने थोड़े छोटे साइज़ में पूरी बनाई, मेरी बेटी को बहुत पसंद है छोटे साइज़ की पूरी। तो आप चाहे तो साइज़ बड़ा कर सकते हैं।